भाइयों और बहनों, फिर हम जा रहे हैं और देख रहे हैं बारिश में आपका भाई स्पेशल सिर्फ आप भाइयों और बहनों के लिए बाहर जा रहा है, क्या क्या विजिट कराने लगे आपको? ब्लॉग तो आज बारिश में जा रहे हैं आपका भाई एक नई जगह पर, आप विजिट कराते हैं। ये मेरा छोटा भाई अब्दुल्ला साहब है, इसको भी चैनल सब्सक्राइब कर देना है अब्दुल्ला ब्लॉग के नाम से। बारिश में तो मज़ा ही अपना है, फिर चलते हैं आपको जगह विजिट करा दें आज आपको। देखें फिर आपका भाई बारिश में मर्सिडीज आ गई, मैंने कहा चलो मर्सिडीज की क्यों बोला भाई, मज़ा आ रहा है ठंड में। अरे आज जाओ, आज जाओ हो गए भाई के। ये देख आला चेक करो, आला चेक करो आवाम की, यहाँ के पुलिस की तोबा करो, पर खड़े होकर उन्होंने हाथ हिलाना होता है। यहाँ से मुड़ जाओ, हम याद आ रहे हैं और हमारा जल्दी जा आपको नज़र आ गया होगा। वो माशाल्लाह गाड़ी बड़ी बेहतरीन हमारे सामने आ गई है। ओ ठीक है जी, ये लेक्सस जा रही है, लेक्सस इंशाल्लाह। ये रहा चकवाल गला मंडी, जहाँ पर सबसे पहले ट्रेन चला करती थी, तो इंशाल्लाह आपको ना इसकी ना पूरी तफसील बताते हैं, क्यों बंद हुई, यहाँ पे क्या हुआ था, किस वजह से बंद की गई है, ये सारा आज आपको तफसील से बताते हैं। पहले आपको विज़िट करा लें थोड़ा सा। अच्छा ये छत है, ये तकरीबन टूट चुका है, काफ़ी टाइम से ना यहाँ पे ना मतलब बंदों का आना जाना नहीं है, काफ़ी डेंजरस हो चुका है ये छत। और तो ये यहाँ पर रात को ना, क्योंकि हमारा यही बोल है, रात को यहाँ पे अच्छी खासी कई लोगों ने आवाज़ें सुनी है, यहाँ पे कई लोगों की आते आते रास्ते में गाड़ी ठीक ठाक होगी बंद हो जाएगी, कभी कभी रिश्ते करना बिल्कुल बंद हो जाती है। और फिर इसके बाद ये पिछले कमरा जो है साइड में थोड़ा सा, अच्छा ये कमरा है जिसकी बिल्कुल हालत खराब हुई है, ये स्टेशन मास्टर का दफ्तर है। अंदर भाई आ जाए, ये सूरत हाल है, आप भी देख सकते हैं बिल्कुल डेंजरस हो जा रहा है। अच्छा अभी एक आपको छत विजिट करा दिया और ये कमरा विजिट हो गया, ये यहाँ से टिकट दी जाती है, अब ये यहाँ से भी बंद हो चुका है। अब आ जाए नेक्स्ट रूम की तरफ, ये आ गया पार्सल गोदाम, पार्सल गोदाम, इसकी तो बिल्कुल ही फायर हो गई है, इतने दराड़े आ चुकी हैं। ये तकरीबन आप देख सकते हैं इसकी छत बिल्कुल टूट चुकी है, नुकसान इतना हो चुका है, पता नहीं यहाँ तो कोई नीचे बंदा ऊपर गिरा होगा, उसके ऊपर गिरा है नहीं गिरा कोई कह नहीं सकता, मैं नहीं गिरा, नहीं गिरा, मैंने तो यहाँ सुना भी है बहुत, मतलब नहीं यहाँ पे ना आवाजें आती हैं हम की जिन्हों की आवाजें आज वल आलम सच है झूठ आएगा, यहाँ पे गाड़ियाँ चलते अगले रूम की तरफ। अब तुम ना बोल यार, एक बंदा बड़े सारे लोग बोलना। अच्छा ये रहा हमारा नजारगा, ठीक है तो ये आगे वेटिंग रूम फर्स्ट क्लास की जिनकी होती थी, जिनकी मतलब जो इलीट क्लास है, ये हीटर पुराने जमाने के, क्या समझ लग रही होगी आपको ये। अच्छा जी ये आपको सबसे पहले भाई छत दिखाएं, छत की ये हालत हो चुकी है, कमरा भी बहुत डेंजरस हो चुका है क्योंकि काफी टाइम हो चुका है इस जगह को, वो एक छोटा कमरा वहां पे आप विजिट कराते हैं, इसके भी आप छत देख सकते हैं, ये हालत है छत की और कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी है हमें कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा जी ये जो है ना ये इंग्लिश ने बनाया, जिनको हम अंग्रेज कहते, अंग्रेजों ने छतें बनाई थी और आज तक देख लें छतें कहाँ हैं और दीवारें देखें किस तरह से बनी हुई, दराड़े आ चुके हैं लेकिन फिर भी दीवार की एक ईंट भी जगह से हिली नहीं है, ये देखिए तारें अभी तक लटक रही हैं। तो हम जाते हैं अपनी असल जगह पर जहाँ पे ना ट्रेन चलती है, वहाँ पे जाके आपको उसको थोड़ी और ना बयान कर देते हैं। ये मेन इस जगह पर जो है ना यहाँ पे ट्रेन रुका करती थी आके, ये मेन स्टेशन था यहाँ पे, ये मेन इंतजारगाह वगैरह सारा टिकट जो है यहाँ पर सब कुछ था, ठीक है।
पटरी यहाँ से उतार ली गई है, ये देखिए यहाँ पे साथ आगे से यहाँ सारी पटरी कुछ पुलिस वालों ने उतारी है। अच्छा जी ये देखें साइड ग्रिल्स, साइड ग्रिल्स, ये साइड ग्रिल्स हैं ठीक है। ये बेंचेस थे यहाँ पर, यहाँ का एक मशहूर वाकया भी है जिसकी वजह से ये छत टूटा था यहाँ से, ये जगह से, वो फिर आपको हम बाद में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं आपको एक बंदे से मिलवाता हूँ, वो यहाँ का ही रहने वाला है, तो उस भाई से सारी मालूमात पूछ रही है मेरे अब्दुल्ला भाई, ठीक है ये आपको सारा बताएंगे यहाँ पे क्या हुआ था, क्यों बंद की गई है ट्रेन यहाँ पर, ये भाई आपको बता दीजिए भाई बोले। यहाँ से ज़्यादातर जाती थी चकवाल के लिए, चकवाल से जाती थी रावलपिंडी के लिए ट्रेन जाती थी, कलर कार वाली साइड पर जाती थी। तो हमारे जो बड़े हमें बताते हैं कि वो लोग चलो यहाँ के मकामी थे, तो इनकी थोड़ी सी जो यहाँ का अमला था उनके साथ भी बातचीत थी, तो वो इसी तरह जाते थे। अब ये देखें, ये देखें पीछे से हालत हुई, वो जो लाइन आपको दिखाई दे जा रही है वो बेंचेस थे वहाँ पहले, और फिर पहले आपको दिखा सकें वहाँ पर बेंचेस थे ठीक है। अच्छा भाई मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्यों बंद की गई है, वजह क्या बनी है? वजह यही बनी है कि अब चकवाल में गाड़ियों का आना जाना हो गया था, फिर यहाँ पर पीछे बस स्टैंड बन गया था, अब बस स्टैंड पे खत्म हो चुका है, तो अब जो बैक साइड है इसकी वहाँ पर अब गोदाम बन चुके हैं इस वक्त, अब गोदाम है वो। तो यहाँ पर मैंने सुना था यहाँ पर कुछ डेंजरस काम हुआ था, वो क्या हुआ था, क्यों छत टूटी थी, क्यों यहाँ पर क्या बात क्या हुई थी जो यहाँ पर ट्रेन बंद का मशहूर वाकया, अब हमें नहीं पता है इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ, लेकिन हमने जो खुद सुना है तो यहाँ पर जो बेंचेज है ना, ये तो जो बेंचेज है ना वहाँ पर, उन बेंचेज में के ऊपर बंदे बैठे थे, हमने जो वाकया सुना है कि रमज़ान का टाइम था, और रमज़ान का टाइम था तो यहाँ पर वो बंदे बैठे हुए थे, तो एक के पास एक ने आया सिगरेट सुलगाया, सिगरेट लगाया, तो वो पास वाले बंदा जो बैठा था उसने बोला कि भाई मेरा रोज़ा है तो आप इस तरह करें कि इस तरह ना करें, ये सिगरेट ना पिए ठीक है। तो उसने बोला कि भाई तुम्हारा रोज़ा है मुझे क्या लगे, तो तेज़ धूप थी तेज़ धूप, उसने कहा इसका बदला तुमसे अल्लाह ताला लेगा और दुनिया में ही लेगा, कहता है आप देखते हैं कौन लेता है मेरे से बदला, उसने अब देख क्या बात कर दी, उसी की बात करते कहते तकरीबन आधे घंटे के दौरान के अंदर अंदर पूरे यहाँ पर बदलियाँ जिसको बादल कहते बादल आ गए, और अचानक बादल आए और तेज़ गरज चमक से बारिश शुरू होने, बिजली कड़की ना बिजली कड़की, यहाँ से वो कोने से छत टूटा था उस जगह ठीक है, वहाँ जहाँ पर अभी दराड़ पड़ी दोबारा से रिपेयर हो रहा है, वहाँ से दराड़ पड़ी थी, बंदा जो बैठा था ना उसके ऊपर, वो उसके साथ बैठा था दूसरा बंदा, लेकिन जो दूसरा बंदा उसके साथ बैठा जिसने सिगरेट सुलगाया था, बिजली गिरी सीधा उसके ऊपर आके और वहीं पे उसकी डेथ। खलास अच्छा ये भाई थोड़ा बयान किया है तो इस वजह से बंद हो गई थी, क्योंकि बंद तो इस वजह से नहीं, वैसे गाड़ियाँ वगैरह चलना स्टार्ट हो गया बात है, फिर यहाँ पर कोई और प्लान्स वगैरह थे अभी, तो जो हमारे MPA हैं उन्होंने बोला था कि यहाँ पर बनेगा दोबारा रेलवे स्टेशन, दोबारा से रेडी करेंगे दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते, पटरी जो थी सारी वो उतार ली गई थी, अभी एक पटरी का टुकड़ा भी नहीं है, सिर्फ जो साइड ग्रिल्स होती हैं वो कुछ कुछ बाकी बची हुई है, यहाँ आ गई हमारी पुलिस चौकी रेलवे चौकी। उस रेलवे चौकी पर अभी वो जो है ग्रिल्स साइड पर लगी हुई है। अच्छा जी भाई ने बयान कर दिया, मैं अब इतनी छोटी सी बात आपसे कहूँगा क्योंकि बहुत डेंजरस हुई हुई है, ये आपने शायद देख लिया है, कोई पता नहीं है कब ये गिरे, क्योंकि लोगों का कहना ही है यहाँ पर कई लोगों की ना यहाँ पर ना हो चुके हैं, लोगों के साथ हादसा हो चुका है, वो सामने रोड है आप देख चुके होंगे यकीनन, वहाँ पर काफ़ी ना लोगों ने ना आवाज़ें सुनी है भाई यहाँ पे, मगर वो टाइम नहीं है जगह पे आवाज़ें, ये सात गोदाम है यहाँ पे, ये गोदाम वाले जो थे इन्होंने सुनी थी रात के टाइम पे इस तरह की आवाज़ें कुछ। वो वजह बनी ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता भाई कोई पता यही यहाँ रहते हैं तो इस वजह से ना हम इस टाइम पे नहीं आते, मगर टाइम यहाँ पे ना बहुत कम ही लोग गुजरते हैं वो जिनको नहीं पता, तो ये थी तस्वीर सारी, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना है।